खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदर्शन कर रही है और हरियाणा के अंदर भी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आज आक्रोश प्रदर्शन सुबह 11 बजे से चल रहा है। गोहाना के अंदर आज हम आए, हमने एक आक्रोश रैली निकाली पूरे गोहाना के अंदर और शहीद भगत सिंह जी के चरणों के अंदर पुष्प अर्पित करके आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि शहादत, वीर सैनिकों की शहादत का सम्मान होना चाहिए। चीन को सबक सिखाया जाना चाहिए कि किस प्रकार हिंदुस्तान की सार्वभौम सत्ता के ऊपर चीन के सैनिकों ने ये कायरतापूर्ण हरकत की है। भारत सरकार इसका बदला ले ताकि उन शहीदों को सम्मान दिया जा सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की मांग है, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देती है, हरियाणा सरकार भी शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दे और उनके आश्रित को नौकरी का, सरकारी नौकरी का प्रावधान करे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हमने शहीदों के चरणों में नमन किया है, 2 मिनट का मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि दें। और ये भी कहा, बताया है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो और भारत की सेना, हम इस समय पूरे समर्थन के लिए उनके साथ खड़े हैं, परंतु देश की जनता को विश्वास में लिया जाए और इस शहादत को सम्मान मिलना चाहिए और इसका बदला लिया जाए। गुप्ता जी, आप गोहाना आए, चलो आप पार्टी कर रहे हो, बड़ौदा में उपचुनाव होना है,
उसको लेके आप पार्टी की क्या तैयारियां रहेंगी? आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। किस तरह हमें हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जा रहे हैं, उस चुनाव के वक्त हरियाणा की जनता ये देखेगी और बड़ौदा की जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी, ताकि दिल्ली में जो सुविधाएं मिल रही है वो हरियाणा के अंदर भी मिले। मुद्दे क्या रहेंगे दिल्ली से अलग कोई मुद्दा? या दिल्ली बिजली पानी जो हमने बिजली फ्री की रखी है 200 यूनिट और हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली है, 20,000 पानी लीटर पानी हर घर को मुफ्त है, हमने बढ़िया से बढ़िया सरकारी स्कूल बनाए हैं, बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने रोजगार की व्यवस्थाएं की हैं, तो ये सभी मुद्दे जो दिल्ली का विकास है वो मुद्दा हरियाणा का विकास भी होना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा ये है। ठीक ठीक है, फूक रहे हैं और शहीदों को सम्मान मिले, उनकी शहादत को सम्मान मिले, इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, चीन से बदला लिया जाए, हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करते हैं, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि शहीद के परिवार को देती है, वो सम्मान राशि हरियाणा सरकार भी दे, वो सम्मान राशि भारत सरकार भी दे और शहीद के परिवार से 1 आश्रित को नौकरी का प्रावधान